हेलो गाइस नमस्ते। आज के रेसिपी में हम बनाएंगे दही वाली सब्जी। तो बहुत सिंपल तरीके से दही वाली सब्जी बनाएंगे। तो यहाँ उबले हुए आलू को कट करके ले लिए हैं, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। कढ़ाही गर्म हो गया है, तेल डालते हैं। तो यहाँ पे आलू फ्राई कर लेते हैं, तेल में डालते हैं। यहाँ पे आलू फ्राई हो रहा है, तो चलिए मसाला भी ला लेते हैं। दही में आधा चम्मच हल्दी पाउडर, एक चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच जीरा पाउडर, आधा चम्मच गोलकी पाउडर, एक चम्मच मिर्ची पाउडर डाल के सही मसाला को मिला लेते हैं दही में। तो दही के साथ मसाला मिला लिए हैं। यहाँ आलू भी फ्राई हो गया है, निकाल लेते हैं, प्लेट में निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे आधा चम्मच जीरा डालते हैं। यहाँ पर दो हरी मिर्च ले ली है, कुछ खड़े गरम मसाला ले लिए हैं, डालते हैं। यहाँ पे हींग डालते हैं, डाल के अच्छे से भून लेते हैं। तो जीरा मिर्ची गरम मसाला अच्छे से भुना गया है, जिसमें जो दही के साथ मसाला मिला कर रखे थे डाले। गैस का फ्लेम लो कर दे। लगातार चलाते रहना है। अच्छे से मिला लेना है, उबाल आने तक लगातार चलाते रहना है, नहीं तो दही फट जाएगी, सब्जी अच्छी नहीं बनेगी। तो लगातार चलाते रहना है। ग्रेवी में उबाल आ गया है, तो गैस का फ्लेम लो करके मसाला को अच्छे से भून ले। गैस का फ्लेम लो मीडियम था, तो मसाला देखिए अच्छे से 3-4 मिनट के लिए भून लिए हैं। तो चलिए इसमें गरम मसाला डालते हैं, आधा चम्मच डाल के मिला लेते हैं। मसाला अच्छे से भुना गया है, तेल भी ऊपर आने लगा है, तो इसमें फ्राई किया हुआ आलू डालते हैं। आलू डाल के अच्छे से चला लेते हैं, अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। एक चम्मच नमक डालते हैं स्वाद के अनुसार, डाल के मिला लेते हैं। यहाँ पे एक चम्मच कसूरी मेथी डालते हैं, डालकर मिला लेते हैं। ढक के 3-4 मिनट के लिए पकाते हैं। ढककर पकाते हुए 3-4 मिनट हो गया है, तो देखिए दही वाली सब्जी बनकर रेडी हो गया है, कितना बढ़िया बना है। तो गैस ऑफ कर लेते हैं, बाउल में निकालते हैं। दही वाली सब्जी बनकर रेडी हो गई है, बहुत आसान तरीका से बन जाती है। एक बार इस तरीके से ट्राई करके देखिएगा, बहुत ही टेस्टी बनेगी। अगर मेरी रेसिपी आप लोग की अच्छी लगती है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।